हम बात कर रहे हैं करण जौहर की ड्रग पार्टी के बारे में, क्योंकि कल जब हमने उनका वीडियो दिखाया था तो कई लोगों ने एक साथ कहा कि इस वीडियो की जांच होनी चाहिए, क्योंकि बॉलीवुड के ड्रग संबंधों की जांच हो रही है। एक साल से इस बात पर विवाद चल रहा था और अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा लगातार मुंबई पुलिस को लिख रहे थे कि इसकी जांच करें, लेकिन इसके बावजूद इसकी जांच नहीं हुई। उसके बाद अब उन्होंने ये चिट्ठी एनसीबी को भी दी है, क्योंकि अगर आप पूरे देश और दुनिया के सामने इतना बड़ा नाम देकर खड़े हैं तो अपने एक्शंस के बारे में अगर पब्लिक फोरम पर आप कोई वीडियो डालें और सवाल उठे तो उस पर सफाई देना जरूर बनता है। और अब इस नए बॉलीवुड ड्रग विवाद के बाद कि इतने आगे बढ़ने के बाद तो बिल्कुल जरूर। हमारे साथ नई मेहमान जुड़ रही हैं, मुक्ता शैलेश तिलक जी हैं, महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली की काबा पीठ से एमएलए हैं वो, और बहुत ही मशहूर तिलक परिवार से आती हैं। बहुत बहुत स्वागत है मुक्ता जी आपका। मेरे साथ ममता काले जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। मेरे साथ जाने माने एक्टर मुकेश खन्ना जी हैं। मेरे साथ मानवी तनेजा जी हैं। मेरे साथ पारुल खेला है जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है। साथ ही साथ रिया मेरे साथ अब नहीं है, लेकिन अनुराग भदौरिया जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, और शिवसेना की तरफ से किशोर तिवारी जी। सबसे पहले ममता काले जी, चूंकि आपने किशोर तिवारी जी के आरोप सुने, मैं चाहता हूं 30 सेकंड आप ले। और किशोर तिवारी जी ने कहा कि शायद भारतीय जनता पार्टी के तब के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किसी भाईजान के दबाव में उस जांच को दबा दिया। क्या हकीकत है इसकी? देखिए, जहां तक तिवारी जी का प्रश्न है, तिवारी जी जो है बहुत ही कोशिश करते हैं वर्तमान सरकार को बचाने की और बचा नहीं पाते हैं, फंस जाते हैं कई बारी, अपनी कई भी बातों में फंस जाते हैं। और अगर इस वक्त की बात हो रही है तो भूतकाल में बार बार जाने की क्या जरूरत है, वर्तमान में रहिए और इस वक्त आप निवेदन कीजिए ना कि जो नहीं हुआ उसको करवा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और अगर इतने पाक साफ हैं जिन लोगों के नाम आ रहे हैं बॉलीवुड के कुछ, जिन जो भी चंद लोग हैं वो, तो फिर वो फ्लाई आउट क्यों कर रहे हैं दीपक जी? आप सोचिए ना, बड़े जब ये सलमान खान के परिवार के लोग फ्लाई आउट कर गए हैं, दीपिका पादुकोण, ये तमाम लोग फ्लाई आउट कर गए हैं। क्यों फ्लाई आउट कर रहे हो भाई? आप किस बात से डर रहे हो? एनसीबी बुलाए, आपका ब्लड टेस्ट हो, यूरिन टेस्ट हो, हेयर फॉलिकल टेस्ट हो, करा दीजिए ना टेस्ट। हम कुछ नहीं कह रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, बात करने का हक तो है। आफ्टरऑल हमारे तमाम लोग आपको अपना आइकन मानते हैं भाई, आइडियलाइज करते हैं आपको, तो आप निकल करके आ जाइए पाक साफ, उसमें परेशानी की कौन सी बात है? आ करके आप जो है अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, आप लोगों के जो प्रवक्ता बन करके आते हैं, कुछ भी बातें करते हैं कि क्यों इस तरीके की बातें की जा रही है। किशोर तिवारी जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले राहुल जाम सहारनपुर से मेरे दर्शक जुड़ गए। ममता जी रुकना होगा आपको, एक मिनट से ज्यादा बोल गए। राहुल जाम क्या कहेंगे, जांच होनी चाहिए इस पार्टी की? दीपक जी जय श्री राम, जांच होनी चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से, न्यूज नेशन के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि बॉलीवुड के चर्सी और नशेड़ी को अपना आदर्श और हीरो मानना हमें बंद करना पड़ेगा, वरना क्या स्थिति है इस समय बॉलीवुड की, जो नशे ने खत्म कर दी है, आगे क्या होगा? असली हीरो वो है जो बॉर्डर पर दिन रात हमारी सेवा और हमारी मातृभूमि तो की सेवा के लिए जान दे देते हैं। मैं राहुल जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपके विचारों की स्वतंत्रता है, बेहतर है हम इसको जनरलाइज ना करें, हम उन लोगों के बारे में ही बात करें जिन पर आरोप लग रहे हैं। मैं कतई नहीं मानता कि बॉलीवुड में 100% लोग नशेड़ी और गंजेड़ी हैं, लेकिन सवाल यह है कि अगर बॉलीवुड के ड्रग कनेक्शन के सवाल उठे तो इस पर जवाब होना चाहिए। सीधे चलता हूं अनुराग भदौरिया जी के पास। अनुराग जी, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, मेरी माँ हमेशा कहती थी, तो ये जया जी को कैसा लग गया, थाली में छेद हो गया है? भगवान लिख के देता है किसके हाथ में अन्न जा रहा है। और दूसरी बात मैं जानना चाहता हूं, आजम खान ने जब जया प्रदा के अंडरगार्मेंट्स की बात की थी तब तो जया बच्चन जी चुप थी, कोई ट्वीट नहीं आया, कोई स्टेटमेंट नहीं आया, क्योंकि चुनाव चल रहा था। अब उनको इतनी दिक्कत क्या हो गई बताइए ना? मुलायम सिंह जी ने भी बोला था लड़कों से गलती हो जाती है, गलती में बलात्कार कर देते हैं। मुझे बोलने तो दोगे? मैंने आपसे पूछने दो, कह रहा हूं कि जया बच्चन जी ने जो बोला है उसको ठीक से सुनिए। जया बच्चन जी ने कहा है कि ये वो लोग भी हैं, पर मैंने बहुत सब ठीक लोग से सुना है। सुन तो लीजिए, मुझे बोलने दीजिए। जया बच्चन ने एकदम साफ कहा है कि इंडस्ट्री में हर लोग बदमाश नहीं है, जो लोग गलत कर रहे हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा यही इंडस्ट्री के लोग हैं जो जब कभी जरूरत पड़ती है तो नेशन के साथ खड़े भी होते हैं। सरकार को उन लोगों की मदद करनी चाहिए। किन लोगों की? जो लोग देश के साथ खड़े होते हैं, जो इंडस्ट्री में अच्छे लोग हैं। जो बुरे लोग हैं उनके लिए तो कानून है, उनको कानून सजा देगी, वो देना भी चाहिए। इस देश के अंदर में ड्रग्स बंद होना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, इस देश की एक बड़ी अजीब सी बात है, ब्यूरोक्रेट जब तक सर्विस में रहता है तब तक वो सिस्टम पे आवाज नहीं उठाता है, बाहर निकलता है तो किताब लिखता है।
नेता को भी मैंने देखा है, जब तक मंत्री रहता है पद पे रहता है कुछ नहीं कहता, जब बाहर निकलता है तो किताब लिखता है, उस समय ऐसा मलाई खाता है ना राजी, आपको नहीं पता मलाई कैसे खाई जाती है। हर सिस्टम में यही हालत हो गया है, आपको नहीं पता नेता मलाई कैसे खाता है, अधिकारी मलाई कैसे खाता है। वही है कि आवाज उसी टाइम उठा देनी चाहिए जब गलत हो रहा हो, और गलत होने के समय अगर आवाज उठाते हो। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, इंडस्ट्री की इतनी चिंता है, पॉलिटिक्स की इतनी चिंता है, तो आजम खान ने अनुराग जी सवाल तो सुन लीजिए ना, बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन है सर, पब्लिक मीटिंग नहीं चल रही है अनुराग भाई, लेकिन आप सबको जनरलाइज कैसे कर सकते हैं, सबको कैसे कर सकते हैं कि सभी लोग ड्रग्स लेते हैं, किसी ने जनरलाइज नहीं किया, किसी ने जनरलाइज नहीं किया। मुझे बताइए जया बच्चन इस वक्त कब खामोश थी, जब आजम खान जया प्रदा के अंडर गार्मेंट्स की बात कर रहे थे, अनुराग भदौरिया जी जवाब दे दीजिए ना। सर मैं तो आजम खान की बात कर रहा हूँ, जया प्रदा के लिए आजम खान ने क्या बोला था, अनुराग भाई बुलाता हूँ उत्तर प्रदेश के डिबेट के मामले में आपको। गुप्ता जी जया बच्चन जी ने ये बताया, मेरा सीधा सवाल है, जया बच्चन के ये डबल स्टैंडर्ड क्यों, जब जया प्रदा के बारे में इतनी गंदी और भद्दी टिप्पणी पूरे लोकसभा इलेक्शन में होती रही वो खामोश रही, लेकिन आज बॉलीवुड में किसी ड्रग्स गैंग को बचाने की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है। माफ कीजिएगा इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, बहुत सम्मान करता हूं उनकी, एक एक फिल्म मैंने 100-100 बार देखी है। मुझे लगता मुझे लगता है कि हर एक महिला का सम्मान होना चाहिए, वो एक्ट्रेस हो या कोई सामान्य महिला हो। ये जो बात जया प्रदा के बारे में कही है वो बिल्कुल गलत है, और इसका सभी महिलाओं ने निषेध व्यक्त करना चाहिए। ठीक है मुख्तार जी, मैं सीधे ममता काले के पास चलता हूँ मेन डिबेट पर आने की बजाय। ममता काले जी, अरविंद भदौरिया जी ने कई सारी बातें कही, उत्तर प्रदेश के बारे में बातें कही, उसके बारे में हम फिर डिस्कशन करेंगे। अनुराग भदौरिया जी ने, सॉरी ममता, क्या कहेंगे अनुराग भदौरिया जी को, क्या एक लॉजिकल सवाल मैंने नहीं उठाया उनके सामने और उसका जवाब उन्होंने क्यों नहीं दिया, आपको क्या लगता है? लगातार छोटी छोटी बच्चियों के साथ अन्याय हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर में। सर मैं मानता हूँ आपकी बात, पर आज जया प्रदा के बारे में आजम खान की सरकार बोल रही है, क्यों भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुप है, क्यों लोग चुप है, उत्तर प्रदेश नंबर वन हो गया महिलाओं के अत्याचार में, लेकिन चुपचाप क्यों है लोग, क्यों नहीं आवाज उठाते गरीब मजदूर दलित बच्चों के लिए, आवाज क्यों नहीं उठाते, क्यों आवाज नहीं उठेगी जो मजबूत महिलाएं होंगी, गरीब बच्चियों गरीब महिलाओं के लिए क्या आवाज नहीं उठेगी, क्या देश की बेटियां नहीं है उसके लिए आवाज नहीं उठती, किसी को उसके लिए ना डिबेट होती है, लगातार अत्याचार उनके ऊपर हो रहा है, डिबेट कीजिए ना, एक बेटी न्याय मांगते मांगते जय बच्चन की बात कर ले, बर्बाद होगी उत्तर प्रदेश की बात कर लेंगे ना, मेरे उत्तर प्रदेश का चैनल नंबर वन है, न्यूज स्टेट उस पर चले जाइए, आपका शो करवा देता हूँ एक घंटे का। अभी ड्रग्स की बात कर लीजिए ना बॉलीवुड के, ममता काले जी ये बोलते रहेंगे, ये कभी नहीं रुकेंगे, आप जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश को छोड़िए, आप उत्तर प्रदेश में जिस दिन होगा उस दिन बात कर लेंगे। अच्छा उत्तर प्रदेश में महिलाएं नहीं है, महाराष्ट्र में आई है जया बच्चन जी पे आई है कि जया प्रदा जी के ऊपर जब इतनी गंदी टिप्पणी हुई तो उन्होंने अपने अपने मित्र अपनी सखी बॉलीवुड की भी और पॉलिटिक्स की भी उनके बारे में क्यों नहीं बोला, क्यों उनके साथ खड़ी नहीं हुई, क्यों उन्होंने नहीं बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तब नहीं दिखा था थाली में छेद, आज आज कंगना रनौत के तो इतनी भद्दी गालियां दी जाती है तब थाली में छेद नहीं दिखता है, कंगना का घर तोड़ दिया जाता है तब थाली में छेद नहीं दिखता है। ठीक है, मैं दोनों को ब्रेक लगाऊंगा, दोनों को ब्रेक लगाऊंगा। अनुराग भाई कभी विषय पे बात कर लिया करो यार, कभी विषय पे बात कर लिया करो अनुराग भाई। सिर्फ महाराष्ट्र की बात होगी, उत्तर प्रदेश की। अरे तो जया प्रदा को जो मौका मिला था उत्तर प्रदेश की सांसद थी ना, बॉलीवुड का रोना क्यों रो रही थी, उत्तर प्रदेश की बच्चियों की बात उठा लेती,
जब जयाप्रदा को राज्यसभा में बोलने का मौका मिला तो वो बॉलीवुड पर क्यों रो रही थी? उत्तर प्रदेश की बच्चों की बात उठा लेती, दलित बच्ची की बात नहीं होगी, ये शर्म की बात। अरे तो बताइए ना, जया बच्चन ने क्यों नहीं उठाई राज्यसभा में? जवाब दीजिए, जया बच्चन ने क्यों नहीं उठाई वो बात राज्यसभा में? बॉलीवुड पे क्यों रो रही थी वो? जया बच्चन ने कई बार बोला है कि महिलाओं के बारे में बोला है कि लगातार उत्तर प्रदेश में महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है। अरे तो अभी आप इतने स्ट्रांगली बोल रहे हैं, आपकी सांसद ने जरूरत नहीं समझी उनको, लगा कि बॉलीवुड के नशेड़ी और गंजेड़ियों को बचाया जाए। बदमाश है, ड्रग्स लेके उसको जेल में डालिए, फांसी पर लटकाइए। जय बच्चन जी ने नहीं बोला, जय बच्चन जी ने बोला जो अच्छे लोग हैं उनको सरकार वही तो कर रहे हैं, वही तो कर रहे हैं, तो आप लोग रोना क्यों अटका रहे हैं? जय बच्चन जी खाली में छेद की बात क्यों कर रही है? वही तो हिंदुस्तान कर रहा है, वही तो दीपक शर्मा के पास आप आ रहे हैं, लोग कर रहे हैं, जो लोग एक बार में निष्कर्ष पे पहुंचा हो आपको मदद करनी चाहिए। सरकार को अच्छे लोगों की मदद करेगी ना, सरकार गलत लोगों की तो करेगी नहीं। उन्होंने बोला सरकार को, ठीक है, सीधे दीपक शर्मा के पास ग्वालियर में निरर्थक बहस चल रही है, मैं मुद्दे पर आऊंगा। दीपक शर्मा जी क्या कहेंगे इस पूरे मामले पे? क्या आपको लगता है कि करण जौहर मामले की जांच होनी चाहिए? नहीं जी, बिल्कुल जांच होनी चाहिए और कंगना रनौत जी ने जो कदम उठाया उसका हम पुरजोर से सहयोग करते हैं और ये होना चाहिए क्योंकि नशा जो प्रति रुकनी चाहिए, क्योंकि ड्रग्स के खिलाफ जो कंगना रनौत ने जो वो एलिगेशन लगाए हैं होना चाहिए, क्योंकि युवा पीढ़ी में आए दिन ये नशे का कारोबार बढ़ता जा रहा है। जबकि मध्य प्रदेश में देखा जाए तो ग्वालियर में नारकोटिक्स का भारत का हेड ऑफिस है, जबकि मध्य प्रदेश में अगर कार्रवाई देखे तो पुलिस विभाग द्वारा कार्रवाई की जाती है और नारकोटिक्स का जो एनसीबी जो एक संगठित वो है समूह है कि उसको नहीं लिया जाता, पुलिस ही कार्रवाई करती है। पुलिस ही वो सारे जो नशे का कारोबार आने वाली युवा पीढ़ी कंगना रनौत को एक अभिनेत्री की तरह नहीं, एक क्या कहते हैं मेरे ख्याल से समाज सेवक के रूप में जानेगी, क्योंकि ये बड़ा ठीक है। सीधे चलता हूँ दीपक जी मानवी तनेजा के पास। मानवी मैं थोड़ा लार्जर सवाल उठाना चाहता हूँ। हमने देखा सड़क टू का क्या हाल हुआ, लोगों ने कितने डिसलाइक दिए, मेरे ख्याल से दुनिया में डिसलाइक के नंबर में नंबर टू पोजीशन पे अगर कोई एक यूट्यूब पर ट्रेलर है तो वो है। बॉलीवुड के ए स्ट्रीम के लोग इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं जो मैं समझता हूं उसके हिसाब से कि कंगना और उसकी इस मुहिम को एक पॉपुलर सपोर्ट है। सुशांत को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं, आप वो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? वो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में अगर इन चीजों पर वो आज खुलकर नहीं बोलेंगे, क्योंकि समाज में हर चीज पर खुलकर बात हो रही है तो लॉन्ग टर्म में नुकसान उनका ही है। नहीं देखिए दीपक जी, मैं तो बोलना चाहती हूँ कि समझ पा रहे हैं, क्योंकि जैसे सड़क टू को लोगों ने लिटरली सड़क पे ला दिया, उसके बाद जो बड़े बड़े एक्टर्स थे, जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं वो बहुत थ्रेट में आ गए हैं कि जैसे सड़क टू को लोगों ने डिसलाइक करा है, बिल्कुल भी स्वीकारा नहीं है, तो कहीं ऐसा ना हो आने वाली जो उनकी पिक्चर्स हैं उनको भी स्वीकारे ना। तो उसके बाद जो बड़े एक्टर्स थे उनकी जो मूवीज आने वाली है तो उन्होंने ट्वीट करा है कि हम सपोर्ट करते हैं सुशांत के लिए। ये तब की बात कर रही हूँ जब सड़क टू का ट्रेलर रिलीज हुआ था, तब हमें सीबीआई की अप्रूवल नहीं मिला था, तब की बात है, तब उन्होंने लिखा था कि सीबीआई का अप्रूवल होना चाहिए, सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए। तो काफी उस वक्त जो बड़े बड़े स्टार्स थे उन्होंने दिखाया था कि हम सुशांत के सपोर्ट में हैं, इससे पहले कोई भी नहीं लगता कि लगा कि आप उनकी भी समझना चाहिए। मुकेश करना जी आखिरी क्लोजिंग कमेंट आपसे चाहता हूं, क्या कहेंगे इस बहस के निष्कर्ष के तौर पर, एक लाइन आप। दीपक जी मुझे कभी कभी हैरानी होती है कि जब कब हम किसी बुरी बात की क्रिटिसाइज करते हैं और उसकी जांच की मांग करते हैं या कहते हैं कि ये इस वक्त इसकी जांच होनी चाहिए, तो कोई बाकी सब लोग क्यों खड़े हो जाते हैं कि अरे भाई इसके पहले उसकी क्यों नहीं हुई, यूपी में क्यों नहीं हुई, एमपी में क्यों नहीं हुई? मुझे हैरानी होती है ना। मैंने आपके चैनल पर अभी कई लोगों के साथ में मैंने नाम देखा है सामाजिक कार्यकर्ता लिखा हुआ। अगर ये अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं तो ड्रग्स की जांच करने जो समाज के खिलाफ है उसके फेवर में क्यों नहीं खड़े होते, उसके उसके उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल सही पॉइंट। और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपको तो स्ट्रेट वे कहना चाहिए। बिल्कुल सही मुकेश खन्ना जी, इसी नोट पर, वक्त मेरे पास इतना ही है, लेकिन न्यूज नेशन लगातार इस मुहिम को चलाएगा क्योंकि देश में मेरे देश की बहस के 96% दर्शक कह रहे हैं कि करण जौहर अगर सवालों में है, खुद वीडियो उन्होंने डाला है, 96% दर्शकों का मानना है कि इसकी जांच होनी चाहिए। एक ब्रेक।